अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, चांद रात मुबारक मेरी तरफ़ से सब लोगों को। ये देखें जिस वक्त मैं अभी जो है ना बाहर आई हुई थी ग्रीन स्ट्रीट, मैंने कहा ये थोड़ा सा ग्रीन स्ट्रीट का व्यू आप लोगों को दिखाऊं। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है इसलिए इस दफ़ा इतना ज़्यादा रश नहीं है। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, बार बार बारिश होती है। और ये थोड़े से स्टॉल लगे हुए थे मेहंदी के और शॉपिंग मॉल के अंदर, फिर मैं गई हूँ बाहर। मैंने थोड़ा सा देखा तो इतना ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि बार बार बारिश हो रही थी। ये देखें मेहंदी के स्टॉल लगे हुए, और जिस तरह पहले रश होता है ना उस तो इस तरह रश नहीं है। ये अब मैं मॉल के अंदर आई हूँ, इसके अंदर फिर थोड़ा बहुत रश है। वैसे ये बंद हो जाता है जल्दी, लेकिन इस दफ़ा शायद बारिश की वजह से ना इन्होंने खोला हुआ कि अंदर से लोग चीज़ें बाय कर रहे हैं। ये देखें रात में काफ़ी ज़्यादा इस मॉल के अंदर रौनक थी, वरना ये 8 बजे बंद हो जाता है। और इस वक्त मैं 10 बजे का टाइम है बाहर आई हुई थी घूमने के लिए बच्चों के साथ। तो अभी मैंने कहा ये थोड़ा सा आप लोगों को ना मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से कि इधर चांद रात का क्या हिसाब किताब होता है। तो इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा बारिश है, वो मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि मॉल के अंदर इस दफ़ा काफ़ी रौनक लगी हुई है। मेरी तरफ़ से मेरी यूट्यूब फैमिली में जितने भी देखने वाले हैं सबको ईद उल अज़हा मुबारक। यहाँ जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो भी जिधर भी रहते हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।